नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई फ्लाइट से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, फ्लाइट के रिलेटेड भैया आपको पता है कोविड 19 चल रहा है, लगभग कंट्रीज में थोड़ी थोड़ी करके कईयों में 5-10% कैसे भी कर आके फ्लाइटें स्टार्ट हो रही है। जी हाँ साथियों, कई कंट्रीज में तो पूरी फ्लाइटें स्टार्ट हो चुकी हैं। बात करें दुबई से, जी हाँ साथियों, तो दुबई में फ्लाइटें एकदम बढ़िया तरीके से ओपन हैं। अभी सऊदीया में नहीं चल रही हैं, दो कुवैत में नहीं चल रही हैं। गल्फ कंट्रीज़ की बात करें तो ओमान, मस्कत, कतर से भी अभी फ़्लाइटें स्टार्ट हो चुकी हैं। जी हां साथियों, मैंने वीडियो दो दिन पहले बनाया था, अभी उसका शेड्यूल आ चुका है। इंडिया से कतर फ़्लाइटें स्टार्ट हो चुकी हैं और यूरोपीय कंट्रीज़ के लिए भी भैया फ़्लाइटें जा रही हैं। एयर इंडिया, एयर एशिया फ़्लाइटें वगैरह बुकिंग चल रही हैं। अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए वगैरह नॉर्मल 8-10 कंट्री हैं, इनमें फ़्लाइटें जा रही हैं। हालांकि सब कंट्रीज़ में अभी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है अगस्त लास्ट तक ठीक ठाक है, लगभग कंट्रियों में फ़्लाइटें ओपन हो जाएगी। और बता दूँ वंदे भारत 1, 2, 3, 4, 5, जी हाँ साथियों, 31 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। वंदे भारत 5 में लगभग 1000 फ्लाइटों को ऐड किया गया था। हालांकि चार्टर फ्लाइटें अलग होती हैं, उसमें वो ऐड नहीं की जाती। अभी ये ऑप्शन है कि भाई आप, सरकार ने अच्छा ऑप्शन दिया है, ये अच्छी बात है कि आप कोई भी कंट्री जा रहे हैं तो फ्लाइट टिकट आप कहीं से भी ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि पहले तो एम्बेसी के थ्रू टिकटें थोड़ा सा महंगी भी होती थी, लेकिन अभी थोड़ा मुझे लग रहा है ठीक है। जैसे दुबई की बात करें तो 900 दराम के लगभग टिकट आपको मिल रही है, तो 17,000 में टिकट मिल रही है, ठीक है। पहले लोगों को 1200-1300 दराम भी देने पड़ रहे थे। चार्टर फ्लाइट में 1400 दराम भी लोग इंडिया दे के आए हैं, 30,000 रुपये भी लोगों ने टिकट के दिए हैं, तो अभी ठीक है। अभी बात कर लेते हैं वंदे भारत 6। जी हाँ साथियों, वंदे भारत 6 अभी स्टार्ट होने जा रहा है, 1 सितंबर से लेके चलेगा 24 अक्टूबर। जी हाँ साथियों, लगभग आप 2 महीना मान सकते हैं, अगले 2 महीने में वंदे भारत 6 जो फ्लाइट है उसके तहत ही पूरा सिस्टम चलेगा। जितनी भी फ्लाइटें हैं, चार्टर फ्लाइटों मान लो या फिर कैसे, अब ये नाम का रहेगा या वंदे भारत मिशन, तो बाकी फ़्लाइटें तो चल रही हैं, बस उनके अंडर में चल रही हैं, इतना सा डिफरेंस है। बाकी तो बहुत सारी फ़्लाइटों का अलग अलग चलने स्टार्ट हो गई है, बाकी उसकी देख रेख में, DGCA के देख रेख में फ़्लाइटें चलेगी, ताकि रिकॉर्ड में रहे पूरा सिस्टम, कितने यात्री आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। पहले रिकॉर्ड नहीं होता था, वंदे भारत मिशन के तहत रिकॉर्ड रहेगा, इससे पता लगता है। अभी बात करें 17 अगस्त तक लगभग 11 लाख लोग आ चुके हैं। जी हाँ साथियों, बाहर के 11 लाख लोग इंडिया पहुँच चुके हैं। तो अभी तो नॉर्मली में जो जिनको आना जाना है, टिकटों का कोई चक्कर नहीं है, कहीं से भी टिकट आप बुक कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि जिस देश की आप टिकट बुक कर रहे हैं उसकी कंडीशन देख लीजिए पहले। टिकट बुक करने वाले को आप पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा वीज़ा चाहिए, इसमें कौन सी टिकट चाहिए, कौन सी आपका रिपोर्ट लेना है COVID-19 की, या कौन सा फॉर्म भरना है, क्या कंडीशन होगी वगैरह वगैरह। फ्लाइटों का शेड्यूल उसमें अभी ऐड नहीं किया गया है, 2-4 दिन में ऐड हो जाएगा, तो उससे रिलेटेड हम आगे बात करते रहेंगे। बाकी भैया अभी फ़्लाइटों की मुझे नहीं लगता कोई टेंशन है, नॉर्मली तरीके से आ जा सकते हैं, कैसे भी टिकट बुक करवा सकते हैं। बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें भैया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे।